राव बहादुर हरि विनायक साठे, इनका ये पूरा नाम था। हरि विनायक साठे जी का जन्म सन 1855 में हुआ और हरि विनायक साठे जी डेप्यूटी कलेक्टर थे और साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफिसर थे। जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई तब तक उनकी यही पद्धति थी। और हरि विनायक साठे सन 1904 में शिरडी पहली बार आए, और वो कैसे आए, उनका कैसे शिरडी में आगमन हुआ, आइए मैं लेकर चलता हूँ उनकी जीवनी पर। हरि विनायक साठे जो हैं वो दो कार्यों के लिए बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिरडी में ऐसे दो कार्य किए थे जो आज भी भक्त याद रखते हैं। पहला कार्य हरि विनायक साठे जी ने ये किया था कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब शिरडी जाते हैं, आपने वहाँ पे बूटीवाड़ा, जिसको हम समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं, दीक्षितवाड़ा, आप सभी जानते हैं काका साहेब दीक्षित द्वारा बनाया गया दीक्षितवाड़ा समाधि मंदिर के यानी कि बूटीवाड़ा के बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक और वाड़ा जो है बाबा के समाधि मंदिर के पास हुआ करता था, जिसको तोड़ दिया गया है? जी हाँ, उस वाड़े का नाम था साठेवाड़ा, और ये वही साठेवाड़ा था जहाँ पर बार गांव से जितने भी शिरडी में भक्त आते थे वहीं पे विश्राम किया करते थे, और ये हरि विनायक साठे जी ने ही साठेवाड़ा बनवाया था। ये साठेवाड़ा गुरुस्थान और नीम वृक्ष जो है, नीम वृक्ष के बिल्कुल बीच में, यानी कि नीम वृक्ष और बूटीवाड़े के बीच में साठेवाड़ा ये बना हुआ था। सन 1908 में साठेवाड़ा का निर्माण हुआ था, क्योंकि उस समय शिरडी में जब भक्त आते थे बाबा के, तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं मिलता था। कभी कभी तो भक्तों को पेड़ों के नीचे ही सोना पड़ता था। लेकिन हरि विनायक साठे जी की मदद से ही और बाबा की कृपा से ही, बाबा की आज्ञा से ही साठेवाड़ा का निर्माण हुआ था। और दूसरा कार्य जो साठे जी ने किया वो था मेघा को शिरडी में भेजना। मेघा, आप सभी जानते हैं कि मेघा शिवजी जी को बहुत मानते थे, और हरि विनायक साठे जी ने मेघा जी को ये कहा कि तुम शिरडी जाओ और शिरडी में जो साईं बाबा हैं वो भी शिव के अवतार हैं और उनकी जाकर सेवा करो। और मेघा खुशी खुशी शिरडी आया और शिरडी में ही बस गया, और मेघा ने बाबा की अपने आखिरी सांस तक सेवा की, क्योंकि सेवा हो तो ऐसी हो कि आखिरी सांस तक बाबा की सेवा की जाए। क्योंकि मेघा शिवजी जी को बहुत मानते थे, और मेघा जो थे वो भी बाबा के परम भक्त बन गए, और वो भी बाबा की आराधनाएं बहुत भक्तिपूर्ण से करने लगे, और बाबा को मेघा की भक्ति बहुत, आप कह लीजिए उनको बहुत पसंद थी। बाबा मेघा को पर्सनली बहुत लाइक करते थे। और जब मेघा आए, तो उससे पहले जब मेघा का आगमन शिरडी में नहीं हुआ था, तो उससे पहले जितने भी भक्त आते थे एक एक करके बाबा की आराधना पूजा किया करते थे। लेकिन जब मेघा आए तो तब सामूहिक पूजा बाबा की होने लगी, और मेघा ही सबसे पहले पुजारी बने बाबा के। जी हाँ, तो ये दो कार्य जो थे हरि विनायक साठे जी ने किए थे, और आज भी इनको याद किया जाता है। तो आइए ज़रा मैं हरि विनायक साठे जी के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। हरि विनायक साठे जी की शादी हो चुकी थी, उनकी एक पत्नी थी और उनकी बेटियाँ थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो 44 ईयर्स के थे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उनके जो मित्र थे, जितने मित्रजन थे उनके, उन्होंने उनको सजेशंस दिया कि अब आप दूसरी शादी करवा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र लगभग अब 50 साल के आसपास होने वाली है। वो शादी करवाना तो चाहते थे, लेकिन उनको ये था कि अगर वो शादी करवाएंगे तो उनको बेटा चाहिए था, क्योंकि जो पहली बीवी से जो उनकी संतान थी वो बेटियां थी, लेकिन बेटा नहीं था। और वो चाहते थे कि अगर वो दूसरी शादी करवाएं तो इस बार बेटा ही हो, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि अगर कोई महान संत अगर उनको शादी करने की आज्ञा दे तो ही वो शादी करवाएंगे। क्योंकि पुराने ज़मानों में क्या होता था, अक्सर लोग पंडितों के पास या किसी महान संतों के पास जाया करते थे पूछने के लिए कि बाबा क्या हम ये कार्य कर सकते हैं। तो वही विचार हरि विनायक साठे जी के भी मन में था। तो हरि विनायक साठे जी का तबादला हो गया अहमदनगर में, वही सेम डेजिग्नेशन में जो वो डेप्यूटी कलेक्टर थे और सेटलमेंट ऑफिसर थे, वही उनका तबादला अहमदनगर में हो गया। और अहमदनगर में जब हुआ तो वो कोपर गाँव आए,
तो कोपर गांव में उनके एक मित्र थे जिनका नाम था मिस्टर भारवे। जी हाँ, मिस्टर भारवे जो थे हरि विनायक साठे जी के मित्र थे और वो मामलेदार थे कोपर गांव के। जी हाँ, कोपर गांव तालुका के वो मामलेदार थे। तो हरि विनायक साठे जी उनके पास जब आए तो मिस्टर भारवे ने हरि विनायक साठे जी को कहा कि एक शिरडी में एक संत हैं जिनका नाम साईं बाबा हैं, तो उन दोनों ने शिरडी जाने का यानी कि बाबा के दर्शन करने का विचार किया। और ये सन 1904 की बात है जब हरि विनायक साठे जी शिरडी में प्रथम बार यानी कि पहली बार अपने मित्र के साथ मिस्टर भरवे जी के साथ द्वारका माई मस्जिद पधारे। और जब वो बाबा की मस्जिद माई में गए तो बाबा को मस्जिद माई में जाकर उन्होंने माथा टेका और वो बाहर आ गए। और उस समय जो मिस्टर भारवे जी थे उन्होंने बाबा से जो साठे जी की जो भी उनकी इच्छाएं थीं वो उनको बताई, बाबा को बताई, कि बाबा को ये बताया कि हरि विनायक साठे जी दूसरा विवाह करना चाहते हैं। और बाबा हरि विनायक साठे जी को प्यार से साहेब कहकर बुलाया करते थे। जी हाँ, बाबा उनको साहेब कहकर बुलाया करते थे क्योंकि बाबा ने अपने कई भक्तों के नाम दिए हैं। तो जब बाबा के सामने ये सब कुछ मिस्टर भारवे जी ने बताया तो बाबा ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि अगर ये दूसरी शादी करेंगे तो इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और उसके बाद उनका तबादला जो था वो अहमदाबाद में हो गया था हरि विनायक साठे जी का। जी हाँ, उनका तबादला हो गया। और जब उनका तबादला हुआ तो उस समय उनके पास एक पत्र आया और वो पत्र भेजा था गणेश दामोदर केलकर जी ने। जी हाँ, गणेश दामोदर केलकर जी ने पत्र भेजा और पत्र में ये लिखा था कि उनकी जो बेटी है वो विवाह के काबिल हो चुकी है यानी कि विवाह के शादी के लायक हो चुकी है। तो वो अपनी बेटी के लिए, गणेश दामोदर केलकर अपनी बेटी के लिए दूल्हा जो है वो ढूंढ रहे थे। हरि विनायक साठे जी ने जब ये पत्र पढ़ा तो उनको ये तो ध्यान आया कि दूर दूर तक तो यहाँ पे कोई दूल्हा है नहीं। तो उनको अपने बारे में विचार आया और उन्होंने उनको ये पत्र लिखा कि यहाँ पर तो कोई दूर दूर तक ऐसा कोई दूल्हा नहीं है, लेकिन अगर आपका विचार मेरे लिए है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरी उम्र के बारे में और मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जान लीजिए, और अगर आपका सच में मेरे लिए विचार है तो मैं चाहता हूँ कि आप बाबा से एक बार अनुमति लेकर आइए। क्योंकि हरि विनायक साठे जी के मन में विचार ये आया कि कहीं ना कहीं ये बाबा का ही सब किया हुआ है, क्योंकि ये बाबा की ही कहीं ना कहीं लीला है, क्योंकि पत्र आना और उस पत्र में शादी का ही वो एक न्योता था हरि विनायक साठे जी के लिए। तो गणेश दामोदर केलकर जी ने हरि विनायक साठे जी की बात मानी और वो शिरडी पधारे अपनी बेटी के साथ। और जब वो द्वारका माई में आए तो बाबा के सामने जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अपनी बेटी का कि मैं अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता हूँ तो मुझे अनुमति चाहिए आपसे, तो बाबा ने उनको ये कहा कि तुम अपनी बेटी को अहमदाबाद भेज दो। तो हरि विनायक साठे जी की दूसरी शादी हुई 50 साल की उम्र में। और लेकिन जब उनकी दूसरी शादी हुई तो तब भी जो है उनको दो बेटियाँ ही हुई। और उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा मुझे अभी भी दो बेटियां ही हैं, लेकिन बाबा ने उनको तब भी आश्वासन दिया कि चिंता ना करो, तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और सन 1912 में हरि विनायक साठे जी को बेटा हुआ। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आप सभी साईं भक्तों को साठेवाड़े में दोबारा से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या यादें उस वाड़े से भक्तों की जुड़ी हुई थी। साठेवाड़ा, आप सभी को मैंने ये बताया है कि सभी भक्त वहाँ पर विश्राम किया करते थे। मेघा जो बाबा के परम भक्त थे वो भी उस समय वहाँ विश्राम कर रहे थे। और बाबा जब वाड़े में आए तो मेघा के ऊपर बाबा ने अक्षत फेंका, अक्षत यानी कि चावल फेंके। मेघा को लगा कि बाबा ने स्वप्न में ही उनके चावल फेंके, लेकिन जब उनकी नींद खुली तो वो देखा बाबा उनके साक्षात सामने खड़े थे। और बाबा ने उनको कहा कि तुम मेरा वचन भूल गए हो, मुझे त्रिपुंड लगाओ। तो मेघा ने बाबा को त्रिपुंड लगाया, क्योंकि मेघा शिवजी जी के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्तों में से एक थे, और वो त्रिपुंड लगाते थे बाबा को शिव समझकर। केजे भीष्मा, ये आपने नाम पहली बार सुना होगा, केजे भीष्मा भी बाबा के भक्त थे। और श्री साईं सगुन उपासना
की किताब यानी कि श्री साईं सगुन उपासना आप सभी रूबरू हैं, लेकिन जो नहीं रूबरू हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये बाबा की आरतियों की किताब है। जी हाँ, इसमें बाबा की आरतियाँ हैं और केजे भीष्मा ने ही बाबा की आरतियाँ लिखी थी उस वाड़े में बैठकर, और आज सभी बाबा की आरतियाँ गाते हैं। बाबा के एक और भक्त हुआ करते थे मिस्टर खारपड़े। बाबा ने उनको वाड़े में शरण दी थी यानी कि छुपाया था, क्योंकि उनको ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो ढूंढ रहे थे। तो बाबा ने उनको वाड़े में शरण दी साठेवाड़ा में, और तात्या साहेब नूलकर जी को साठेवाड़ा में ही सदगति प्राप्त हुई यानी कि वो प्रभु के चरणों में लीन हो गए थे। आरएस नवेलकर जी ने ये साठेवाड़ा सन 1924 में ये खरीद लिया था, और सन 1939 में ये वाड़ा जो था आरएस नवेलकर जी के वारिसों ने ये वाड़े को साई बाबा संस्थान को दे दिया था, और संस्थान ने ट्रस्ट ने 2 साल के बाद वाड़े के अंदर 4 और कमरे बनवाए, ताकि क्योंकि उस समय भक्तों की तादाद और बढ़ती जा रही थी, तो ये देखते हुए शिरडी साई बाबा संस्थान ट्रस्ट ने वाड़े के अंदर 4 कमरे और बनवाए। लेकिन सन 1997 और 98 1998 में वाड़े को तोड़ दिया गया। जब वाड़ा 1997 में तोड़ा जा रहा था, रात को ये वाड़ा तोड़ा गया, लेकिन उस समय वहाँ के जितने भी लोग थे किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी, लेकिन बस यही उनके मन में था और यही वो कहते थे कि इस वाड़े के साथ साथ भक्तों की यादें जो जुड़ी थी वो इस वाड़े के साथ ही चली गई। तो ये सन 1997 में वाड़ा टूटा गया, और 1998 में वाड़े को पूरी तरह से डेमोलिश यानी कि पूरी तरह से तोड़ दिया गया, क्योंकि 1998 में कुछ हिस्से जो थे वाड़े के वो रह गए थे, तो उसको 1998 में ही तोड़ दिया गया। साठेवाड़ा से जो यादें जुड़े थी, जो भी यादें जो मैंने आपको बताई, वो सभी उस वाड़े के साथ ही चली गई। और एक लीला बाबा की मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब साठेवाड़ा का काम चल रहा था, जब साठेवाड़ा बन रहा था, जब उसकी दूसरी मंजिल बन रही थी, तो नीम वृक्ष की टहनी उस जो थी वो बाधा आ रही थी यानी कि वो बनने नहीं दे रही थी, क्योंकि नीम वृक्ष जहाँ पर बाबा ने बैठकर तपस्या की, और उस टहनी को काटना एक अपने आप में पाप से बढ़कर कुछ नहीं था। तो उस समय सभी ने कार्य रोक दिया। बाबा लेंडीबाग से आए। जब बाबा लेंडीबाग से आए तो बाबा ने देखा कि साठेवाड़ा का काम रुका हुआ है। तो बाबा ने सबसे पूछा कि साठेवाड़ा का काम क्यों रुका हुआ है। तो सभी ने ये उत्तर दिया कि बाबा, हम दूसरी मंजिल साठेवाड़ा की बना रहे हैं, लेकिन ये जो नीम की टहनी है ये बीच में आ रही है, तो इसलिए हमने काम रोक दिया है। तो बाबा ने कहा तो क्या हुआ, तो काट दो। लेकिन किसी के अंदर साहस नहीं था, किसी के अंदर गट्स नहीं थे कि उस नीम के पेड़ को भी कोई हाथ लगा ले या कोई काट ले। तो जब ऐसा करने से सबने मना करा, तो बाबा ने खुद उस टहनी को जो है काट दिया। और जब उस टहनी को काटा, और उस टहनी के जितने पत्ते थे, बाबा ने ये कहा था कि इस नीम वृक्ष में जो है कुछ पत्ते जो होंगे वो कड़वे होंगे और कुछ पत्ते जो होंगे वो मीठे होंगे। यानी कि दूसरी तरफ बाबा ने हाथ रखा और कहा कि कुछ पत्ते हैं जो नीम के मीठे होंगे और कुछ पत्ते हैं जो कड़वे होंगे, और वो पत्ते हैं जो साठेवाड़ा की तरफ जो आया करते थे यानी कि आते थे, जहाँ साठेवाड़ा की तरफ उनकी डायरेक्शन थी, वो पत्ते जो है नीम के वो कड़वे हैं, और जो बीच में से जो नीम के पत्ते हैं वो मीठे रहेंगे। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें बाबा ने कैसे भक्तों को बताई। तो हरि विनायक साठे जी के बारे में मैंने आपको ये बताया, और इनका जो निवास स्थान है अभी भी पूना में ही इनका निवास स्थान है। जी हाँ, और इनकी बदौलत ही साठेवाड़ा का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ यही बाबा के परम भक्त मेघा को भी शिरडी लाए। मैं आशा करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी को ये व्लॉग 16 अच्छा लगा होगा। आगे के व्लॉग भी ऐसे ही बाबा के भक्तों के बारे में हम बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। तो चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ आप सभी साईं भक्तों से। ओम साईं।